हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडी स्टार क्लासेस। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भारत के जितने भी नवीनतम जो प्लेयर्स हैं, चाहे वो स्टेट प्लेयर हों, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में अधिकतर उनके बारे में क्वेश्चन बनता है कि वो किस यानी वो कौन कौन से खेल से बिलोंग करते हैं और वो किस किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। इस वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप ये वीडियो पूरा देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल एडी स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं भारत के नवीनतम प्रमुख खिलाड़ी, खेल एवं उनसे संबंधित राज्य। ठीक है, चलिए देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहला नाम आता है बजरंग पुनिया का। बजरंग पुनिया एक तरफ इसका इसमें एक तरफ नाम है प्लेयर्स का, दूसरी तरफ वो किस खेल से बिलोंग करते हैं इसके बारे में बताया गया है और लास्ट में वो किस राज्य से बिलोंग करते हैं इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया ये पहलवान हैं, यानी ये पहलवान खेल से बिलोंग करते हैं और झज्जर हरियाणा, झज्जर हरियाणा यहाँ से ये बिलोंग करते हैं, यानी झज्जर हरियाणा के ये हैं। दूसरे हैं स्वप्ना बर्मन। स्वप्ना बर्मन हेप्टाथलीट हैं, ठीक है, और ये जलपाईगुड़ी जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है यहाँ से बिलोंग करती हैं। आगे हैं दुती चंद। दुती चंद ये धावक हैं, यानी ये दौड़ती हैं और ये जाजपुर उड़ीसा में पड़ता है, तो ये उड़ीसा से बिलोंग करती हैं। ठीक है, आगे हैं हिमा दास। ये बहुत एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर यू टू मोस्ट इम्पोर्टेंट टू पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ओके, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। हिमा दास ये भी धावक हैं, यानी ये भी दौड़ती हैं और ये ढिंग, असम में एक जगह है ढिंग, ये वहाँ से बिलोंग करती हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं सुशील कुमार। सुशील कुमार के बारे में हम सब जानते हैं, ये ओलंपिक में ये ओलंपिक के विजेता रह चुके हैं और ये पहलवान हैं। ये बापरोला दिल्ली में पड़ता है, बापरोला, ठीक है, बापरोला दिल्ली से ये बिलोंग करते हैं। जिनसन जॉनसन, जिनसन जॉनसन भी धावक हैं, ये भी दौड़ते हैं और ये कोझिकोड केरल में पड़ता है, वहाँ से ये बिलोंग करते हैं। आगे हैं जीतू राय। जीतू राय एक शूटर हैं और ये लखनऊ उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। साक्षी मलिक, इनका नाम भी आपको याद रखना है। साक्षी मलिक ये भी पहलवान हैं और ये रोहतक हरियाणा में पड़ता है, ये वहाँ से बिलोंग करती हैं। आगे हैं साइना नेहवाल। इनके बारे में आपको पता होगा, साइना नेहवाल ये बैडमिंटन की प्लेयर हैं और हिसार हरियाणा में पड़ता है, ये वहाँ से बिलोंग करती हैं। आगे हैं सानिया मिर्जा। इनके बारे में लगभग ही कोई ऐसा होगा जो नहीं जानता होगा। सानिया मिर्जा ये टेनिस की प्लेयर हैं और ये मुंबई महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे हैं पीवी सिंधु। पीवी सिंधु ये बैडमिंटन की फेमस प्लेयर हैं, इंडिया की बैडमिंटन की ये मोस्ट पॉपुलर प्लेयर हैं और ये हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में अब हैदराबाद नहीं पड़ता है, ये तेलंगाना में पड़ता है हैदराबाद, ये वहाँ से बिलोंग करती हैं। ठीक है, ठीके? तो आपको यहाँ पे तेलंगाना याद रखना है। ठीक है, आगे है गीता फोगाट। गीता फोगाट कुश्ती की एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर प्लेयर हैं इंडिया की और ये भिवानी हरियाणा से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट है पीटी उषा। पीटी उषा ये भी दौड़ती हैं, ये भी यानी धावक हैं और ये कोझिकोड ये केरल में पड़ता है, वहाँ से बिलोंग करती हैं। अगले हैं मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह के बारे में तो हर किसी को पता होगा, इनके ऊपर एक मूवी भी आ चुकी है मिल्खा सिंह की। ये भी धावक हैं और ओलंपिक में ये सर्वप्रथम मेडल जीतने वाले पहले भारतीय भी थे और ये पंजाब से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हैं दीपा कर्माकर। दीपा कर्माकर ये जिम्नास्टिक की प्लेयर हैं और ये अगरतला जो कि त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला, वहाँ से बिलोंग करती हैं। अगले हैं कृष्णा पुनिया। कृष्णा पुनिया ये डिस्कस थ्रोअर के एक प्लेयर हैं और ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मैरी कॉम। दोस्तों, मैरी कॉम को मीराबाई चानू के नाम से भी जाना जाता है। ये मुक्केबाज हैं और ये इम्फाल मणिपुर से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट हैं अभिनव बिंद्रा ये निशानेबाज हैं, यानी ये निशाना लगाते हैं, ये देहरादून उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट हैं मिताली राज। मिताली राज के बारे में भी लगभग सबको पता होगा,
ये वुमेन क्रिकेटर हैं और ये जोधपुर राजस्थान से बिलोंग करती हैं, ठीक है। आगे हैं अंजू बॉबी जॉर्ज। अंजू बॉबी जॉर्ज ये एथलीट की प्लेयर हैं और ये केरला से बिलोंग करती हैं। केरला में एक जगह है चंगन सेरी, क्या नाम है? चंगन सेरी, आपको नाम याद रखना है, चंगन सेरी। चंगन सेरी से ये बिलोंग करती हैं। अगले हैं अंजलि भागवत। अंजलि भागवत ये निशानेबाज की प्लेयर हैं और ये मुंबई से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट है इनका पूरा नाम कुछ और था, यहाँ पे लिखा है कर्णम मलेश्वरी, आपको इतना याद रखना है। कर्णम मलेश्वरी ये भारोत्तोलन की प्लेयर हैं, ठीक है, और यानी भारोत्तोलक हैं और आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं। आगे हैं सीमा अंतिल। सीमा अंतिल ये डिस्कस थ्रोअर की प्लेयर हैं और ये सोनीपत हरियाणा से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट आता है गगन नारंग। गगन नारंग भी निशानेबाज हैं और ये चेन्नई जो कि तमिलनाडु की कैपिटल है वहाँ से बिलोंग करते हैं। फ्रेंड्स ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अधिकतर छोटे छोटे क्वेश्चन ही कुछ कम्पिटिटिव जैसे रेलवे हो गया, एसएससी हो गया और भी कई सारे अदर स्टेट के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो गए उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो वहाँ से प्लेयर्स के बारे में और प्लेयर्स की जो स्टेट होते हैं या फिर वो कौन से गेम से बिलोंग करते हैं इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का सबसे ज़्यादा पर्पज़ यही था कि जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिया के प्लेयर हैं उनके बारे में आप जानिए, वो किस खेल से बिलोंग करते हैं आप उनके बारे में जानिए और वो किस स्टेट से साथ ही साथ हैं या फिर किस स्टेट से बिलोंग करते हैं उनके बारे में भी आप जानिए। अगले हैं विकास कृष्णन। विकास कृष्णन मुक्केबाज हैं और ये हिसार हरियाणा से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है सीमा पुनिया। सीमा पुनिया भी डिस्कस थ्रोअर की प्लेयर हैं और ये भी सोनीपत जो कि हरियाणा में पड़ता है वहाँ से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ये एक एथलीट हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा, हाँ अब दिख रहा होगा। नीरज चोपड़ा ये एक एथलीट हैं और ये पानीपत जो कि हरियाणा में पड़ता है वहाँ से बिलोंग करते हैं। मनिका बत्रा ये टेबल टेनिस की प्लेयर हैं और ये नारायणा विहार दिल्ली में पड़ता है वहाँ से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है हिना सिंधु ये निशानेबाज हैं और ये पंजाब से बिलोंग करते हैं, ठीक है, आपको इनके बारे में इतना याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, आगे हैं मनु भाकर इनका भी नाम आप लोगों ने सुना होगा, ये निशानेबाज हैं और ये झाझर जो कि हरियाणा में पड़ता है वहाँ से ये बिलोंग करते हैं। अगले हैं संजीता चानू ये भी भारोत्तोलक हैं यानी भारोत्तोलन गेम से ये बिलोंग करते हैं और ये मणिपुर की हैं। नेक्स्ट हैं दीपा मलिक ये पैरा एथलीट हैं, इनके बारे में भी आपने सुना होगा और ये सोनीपत हरियाणा से बिलोंग करते हैं। अगले हैं विनेश फोगाट ये कुश्ती की प्लेयर हैं, ठीक है, इनके बारे में आपको याद रखना है ये कुश्ती की प्लेयर हैं और बलाली जो कि हरियाणा में पड़ता है ये वहाँ से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट है श्रेयसी सिंह ये निशानेबाज हैं और ये जमुई जो बिहार में पड़ता है वहाँ से बिलोंग करती हैं। अनीस भनवाला ये भी निशानेबाज हैं और ये करनाल हरियाणा से बिलोंग करती हैं। विश्वनाथ आनंद इनका नाम भी आप लोगों ने सुना होगा, ये शतरंज के बहुत ही फेमस एंड पॉपुलर प्लेयर हैं इंडिया के, ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। आर प्रज्ञानंदा ये शतरंज के प्लेयर हैं और चेन्नई जो कि तमिलनाडु की कैपिटल है ये वहाँ से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है किदांबी श्रीकांत ये बैडमिंटन के प्लेयर हैं और ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है जेरोमी लाल रिनुंगा ये भारोत्तोलक हैं यानी भारोत्तोलन गेम से ये बिलोंग करते हैं और ये मिजोरम से हैं। महेंद्र सिंह धोनी इनके बारे में कौन नहीं जानता होगा, ये क्रिकेट के प्लेयर हैं, रांची झारखंड में पड़ता है, झारखंड की कैपिटल है रांची, ये वहाँ से बिलोंग करते हैं। आगे देखते हैं आगे और आज के सेशन का लास्ट है वाईचुंग भुटिया ये फुटबॉल की प्लेयर हैं और ये टिन कीतम जो कि सिक्किम में पड़ता है, सिक्किम में एक जगह है टिन कीतम, ये वहाँ से बिलोंग करती हैं। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके जो हमारा टेलीग्राम का लिंक है उस पर क्लिक करके वहाँ से आप इसका PDF पा सकते हैं। आपके एग्ज़ाम के व्यू से ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, घर में बैठ के आप तैयारी कीजिए। आपको पता है COVID-19 की वजह से सारे एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया गया है, आपके पास इनफ टाइम है, आप अपने प्रिपरेशन को मैक्सिमम टू मैक्सिमम उस पर फोकस करके उसे वेल प्रिपेयर कर सकते हैं और घर में रहिए, स्टे होम। आपको पता है NBT ने ऐसे दो
हैशटैग स्टे होम और भी कई सारे पोर्टल लॉन्च किए हैं जिससे आप घर में रह के बोर ना हो, सेल्फ मोटिवेट हो और हमारे वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए। आगे बढ़िए और अपने प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।